गाइस वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सचिन सिंह है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया मेरा अभी तक फिजिक्स का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मेरा अभी भी 40-50% सिलेबस इनकम्प्लीट है, तो मैं कैसे जे मेन 2021 का एग्ज़ाम दूंगा। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अभी आप लोग को शॉर्ट नोट्स को पढ़ना चाहिए। सपोज़ आप लोग एक चैप्टर को उठा लीजिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहले आप लोग शॉर्ट नोट्स को पढ़िए। और शॉर्ट नोट्स आप लोग को इजीली हर एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, आप लोग को गूगल में भी मिल जाएगा, आप लोग को यूट्यूब में भी मिल जाएगा। शॉर्ट नोट आप लोग टाइप कीजिए, समझ लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट नोट आप लोग टाइप कीजिए, उसका शॉर्ट नोट का आप लोग पीडीएफ का डाउनलोड कर लीजिए। मुश्किल से वो 10-15 पेज का वो पीडीएफ होगा, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। और ऐसे ही आप लोग हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड कीजिए, उसका पीडीएफ का डाउनलोड कीजिए और उसका पीडीएफ को आप लोग अच्छे से पढ़िए। और हर एक चैप्टर का पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर एक्सेट्रा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सपोज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट नोट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लिए, उसके बाद आप उसका क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक अरिहंत पब्लिशर का 40 ईयर का एक बुक आता है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहता है और विथ सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन भी रहता है, उससे आप लोग को बहुत प्रॉफिट मिलेगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोग को अरिहंत पब्लिशर का ही बुक को सॉल्व करना है, अगर आप लोग के पास जेई का क्वेश्चन का बुक है तो आप लोग उसको भी सॉल्व कीजिए। लेकिन क्वेश्चन जो है आप लोग का चैप्टर वाइज होना चाहिए और उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो ऐसे ही आप लोग फिजिक्स का हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट को डाउनलोड कीजिए, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए और उसके बाद उसका क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और अगर आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। उसका सॉल्यूशन देखने के बाद भी आप लोग को बहुत प्रॉफिट मिलेगा, आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आप लोग ये दो पॉइंट को फॉलो करोगे तो आप लोग को ऑफकोर्स सक्सेस मिलेगा फ्यूचर में। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। वीडियो से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या आप इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।